सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अब्रॉड व्लॉगर 27 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूँ, मेरे साथ है आज मूसा और हम लोग निकले भाई आज फूड ब्लॉग करने के लिए। तो मूसा भाई वालेकुम अस्सलाम। सो मूसा भाई आज हमारे साथ में और हम लोग हैं मल्लापल्ली, मेरे कॉलेज के बैक साइड। तो मेरा कॉलेज जाके मालूम कर लो मल्लापल्ली का कौन सा कॉलेज है, और उसी के बैक साइड लाइक अनवर बोल लो तो जान लो क्या करना होता भी नहीं सताना क्या बोलते। तो हम लाए भाई आज यहाँ पर, ये देख सकते हैं अपन अल जैतून कैफे। तो अल जैतून कैफे पे आए थे अपन, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर आपको रैप वो सब मिलेंगे यहाँ पर। और ये देख सकते हैं अपन शवरमा ऑलरेडी लगा दी और ये होने वाला है ख़त्म। इसके बाद एक और केक भाई लोग बनाएंगे यहाँ पर। तो और जो है हम लोग जो है यहाँ पर भाई अभी जो बना रहे क्या है, ये चिकन रैप। चिकन रैप, तो चिकन रैप में क्या क्या डलता भैया? चिकन रैप में क्या क्या डलता? फिश रैप, एक मिनट को भाई को दे देंगे भाई, सच में आपकी मुलाकात करा दो। तो भैया हम भाई क्या क्या रहता भैया? चिकन रैप, फिश रैप, प्रॉन्स रैप, चिकन फ्राई, चिकन नगेट, प्रॉन्स रैप। तो फ्राइज वही भी है। और मैं अगर जो लोग सुनते हैं मेरे मुँह से अक्सर भाई अब्रार भाई चाय नहीं पीते, अब्रार भाई चाय नहीं पीते, तो मैं यहाँ की एक ही चाय पीता हूँ, वहाँ पर कहीं पर भी ना पीता हूँ। पहले ब्रॉडवे की पीता था बट ब्रॉडवे वाले टेस्ट खराब कर दिए, तो इसलिए अपन जाना छोड़ दिया। तो यहाँ की एक चाय है, मैं वो भी बताता हूँ इंशाल्लाह, चाय की पी के भी बताता हूँ, टेस्ट तो बेहतरीन रहता ऑलवेज। तो बनेंगे अपन अभी चिकन रैप। तो चिकन रैप में क्या क्या है भैया? अभी है आटा, कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर है, आटा है और ब्रेड कम, ब्रेड कम। ओके सही है, माशाल्लाह किराक दिख रहा माशाल्लाह। तो भाई करेंगे यहाँ पर प्रोसेस रेडी, और ये देख सकते हैं अपन यहाँ पर ये हो रहा अभी रेडी। ये क्या है भैया? ये ब्रेड कम है, ब्रेड कम। ओके, तो ये जाएंगे अभी सीधा जो है फ्राई होने में। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसा होता है फ्राई। तो ये देख सकते हैं अपन यहाँ पर, ये है अंदर इसके तेल है जिसमें फ्राइज हुए देखता नॉर्मल टाइम पे। इसके अंदर होगा चिकन फ्राई, डीप फ्राई होगा पूरा है। डीप फ्राई होने के बाद सीधा जो है आपके नान की, नान की नहीं, जो कौन सी रोटी रही थी भाई? रुमाली रोटी, रुमाली रोटी में जाएंगे। हाँ भैया, कोटेला रोटी। एक बार आप बोल दो एक बार, कोटेला रोटी रहता। क्या बात है, तो जो भी रोटी बोले भाई तो रोटी में जाता है, रुमाली रोटी नहीं होता बोलिए बोले भाई। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, अभी ये होने वाला है रेडी भाई। अभी यहाँ पर इसको करेंगे गरम और उसी के साथ करेंगे इसको फ्राई करना स्टार्ट। सो हे गाइस, ये है अल जैतून कैफे का मेन्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ज़बरदस्त मेन्यू है किराक, तो ये देखो अपन। और जो है खाने करने के लिए ऑर्डर आप जो है ऑनलाइन भी है ना भैया, सर्विस अपने पास भी अवेलेबल ऑनलाइन, स्विगी जोमेटो पे भी अपन चेक करके मंगा सकते हैं। तो फ्राइज़, राइस, तंदूरी चाय में तो टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ है, चाय डिकाशन, और अभी मेरे को मालूम हुआ कि भाई कश्मीरी चाय, तो कश्मीरी चाय एकदम पिंक कलर की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं तो क्या है मालूम है ना, जल्दी जल्दी जाना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अपन अपकमिंग ब्लॉग्स में, और रील्स भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो जाओ जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और आज है भाई संडे, तो अपन आज आए हुए थे यहाँ पर। तो और इसी के साथ ये देख सकते हैं अपन यहाँ पर जैतून का यहाँ पर वो जो है मेन्यू है, यहाँ पर आप आके यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है सेटिंग जो कि एकदम रिनोवेट करके बना है, तो वहाँ पर बैठेंगे अपन उधर मूसा भाई और मैं, और इसी के साथ बताएंगे। तो ज़बरदस्त सेटअप है माशाल्लाह, बेहतरीन सेटअप है। अलॉन्ग विद दिस यू हैव अ फैमिली सेक्शन, फैमिली सेक्शन भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं, मैं बता देता हूँ फैमिली सेक्शन में भी जाके। तो गाइज ये देख सकते हैं अपन, ये है पूरा फैमिली सेक्शन का सेटअप, तो बेहतरीन है माशाल्लाह। किराक पूरे आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह, किराक दिख रहा। तो फैमिली सेक्शन के अलग से सेटअप है यहाँ पर, तो आइए आके फैमिली को भी लेके आप बैठ के करके ज़बरदस्त तरीके से खा सकते हैं। सो गाइज ये देख सकते हैं अपन यहाँ पर हो रहा है डीप फ्राई, और इसी के साथ जो है दूसरी चीज़ जो रेडी होने वाली है वो है यहाँ पर हमारी रोटी, जो कि भाई जो नाम बोले रोटी, अरे हाँ रोमाली का ऐसी नहीं है, एकदम रोटी टाइप है यहाँ। तो भाई जो भी नाम बोले मेरे को याद नहीं आ रहा। अपन फूड ब्लॉगर कैसा करें तो कैसा बोले, तो भाई हर चीज़ सीखना पड़ता है, टाइम लगता है। ये क्या है भाई? शेजवान की चटनी, मायनीस और ग्रीन चिली सॉस, क्या क्या डाले भैया अपन? शेजवान है, चिली सॉस है, चिली सॉस, टमाटो सॉस, बारबेक्यू चिकन सॉस, क्या बात है। तो बेहतरीन ये देख सकते हैं अपन, पूरा कहीं को नहीं मिला बोल के पूछेंगे आप ना, तो पूरा नहीं मिला था, उसकी जहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती वहीं पर मिला था। तो ये हो रहा है अभी यहाँ पर रेडी, और उसी के साथ मैं बताता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं शवरमा भाई कितने का है भाई? मिनी शवरमा 40 रुपीज़, मिनी शवरमा 40, और बेहतरीन मज़ा है जो है हम ना रमज़ान में आके दबा के खा रहे थे यहाँ पर शवरमे में। तो आओ आप लोग भी आके करके ट्राई करो मस्त एंड शॉट। इसी के साथ जो है गाइस ये देख सकते हैं अपन यहाँ पर जो है फ्राई हो गया अपना चिकन, और इसको जो है एकदम जो तेल रहता है वो निकालने के लिए वहाँ पर रख दिया, और जो है जो ओवन रहता है उसको ऑफ कर दिया वहाँ से, ताकि वो और ना जल जाए। ये देख सकते हैं अपन इसकी हालत जो कि एकदम फ्राई हो गई, ज़बरदस्त माशाल्लाह किराक दिख रहा ऊपर से, तो खा के खाली मज़े लेना है। तो इसके अंदर ये बोनलेस है ना भाई? जी पूरा बोनलेस रहता है माशाल्लाह, हड्डी वड्डी कुछ भी नहीं आती। आई तो भाई को बोल देना भाई हड्डी हटा के देते तो क्या है मालूम है ना, आओ यहाँ पर आगे करके यहाँ पर फुल एंजॉय करो। ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर जो रेडी कर रहे अभी,
तो ये आ गया अभी यहाँ पर साइड में, और इसी के साथ इसको करेंगे हम रेडी, और ये हो जाएगा हमारे लिए रेडी खाने के लिए। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आप लोग भी आइए, मेन्यू में रेट पढ़िए, इसी के साथ आप लोग ऑर्डर करिए और दबा के मज़े लीजिए। तो दो दो इसके ऊपर जो है भाई चिकन के पीसेस डाल दिए माशाल्लाह भाई। सो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर डलने वाले इसके ऊपर चीज़। तो भाई ये चीज़ है ना, ये अमूल का चीज़ है, तो माशाल्लाह भाई के हाथ में देख सकते हो। और ये देखो माशाल्लाह बेहतरीन जो गिराना भाई, आ हा हा हा, खाली मज़े लो मज़े, आगे मज़े लो। जो चिकन है दिखने में था छोटा दिख रहा है, लेकिन उतना है नहीं, दो पीसेस है यहाँ से अलग वहाँ से अलग, तो खाए तो खाली चिकन के अलावा कुछ आने नहीं है उसके ऊपर माशाल्लाह। अब इसको करेंगे अपन रैप, रैप करने के बाद इसके बाद रखेंगे अपन जो ग्रिल की जो मशीन आती उसके अंदर, जो ओवन बोलते हैं ग्रीन ओवन, ग्रिल ओवन उसके अंदर रखेंगे। और यहाँ पर होंगे अभी ग्रिल, ग्रिल होने के बाद जो मज़े आते हैं ना भाई, अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ मज़े, खाली मज़े आए हाय मज़े बोलना खाली खा के। तो उसके साथ जो है शवरमा है, लेकिन अपन को फेंकने की आदत नहीं है तो इसलिए अपन शवरमा ऑर्डर नहीं करें। तो गाइस आके मस्ट एंड शुड शवरमा तो मैं 101% बोलता हूँ। और ये जो अपन ऑर्डर करें 140 रुपीज़ में, फिर आके भाई इससे ज़्यादा और क्या आना, मैं तो नहीं मानता हूँ कि इतने प्राइस में आपको कहीं पर भी और मिलेगा। तो ये देख सकते अपन जलिया वलिया ने वो गर्म रहने की वजह से उसके अंदर भापा आते, तो ये और अपना यहाँ पर रेडी। क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन मज़े अली मज़े। सो गाइस ये देख सकते हैं अपना हो गया यहाँ पर अभी वाप जो है रेडी, और इसी के साथ जो है माशाल्लाह मज़े लेना है। तो चिकन को जो है पूरा प्रेस करने के बाद जो मज़ा आता ना आया है, अब इसके यहाँ पर जो एक कवर में लाइक पेपर में जो रैप बटर पेपर रहता है, बटर पेपर में जो है पूरा रैप करके करके आपको दे, तो ये देख सकते हैं आपको जो है इसके अंदर आपको चटनी या फिर मायोनीज टमाटो सॉस जैसा कुछ रहता है इसमें, और टिश्यू पेपर साथ में रहा। तो बने रहो अपन ब्लॉग्स के साथ, आने वाले ब्लॉग्स में धूम मचाना है। तो गाइस ये रेडी। सो हे गाइस फाइनली आ गया अपना अभी खाना, तो मूसा भाई पहले खाना दिखा दो अपना क्या है। तो मैं आपको बताया तो क्या क्या है अपने साथ, तो ये जो है जामुन की डिकाशन भाई, ये क्या है जामुन की डिकाशन, रूडी रूडी, तो ये है जामुन की डिकाशन जैसे हैदराबादी है अपन, तो नाम देना ज़रूरी है भाई क्योंकि कलर उसका वैसा है। और ये है असल में ब्लूटी, और ये है डिकाशन जो रेगुलर डिकाशन रहती है, आप लेमन डालना तो लेमन डाल लो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन लेमन भी है साथ में, तो अपन पहले ऑलरेडी दुबले पतले अपन को लेमन यूज़ करेंगे। और मेन जो आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ वो है भाई ये कश्मीरी चाय। तो कश्मीरी चाय का कलर भी जो है ना माशाल्लाह पूरा पिंक है, पिंक बोले तो पिंक है, ज़ाफरानी वाफरानी नहीं होती है, ये कश्मीरी है बाबा, हैदराबाद को आना पड़ता। और ये जो है ना भाई बेहतरीन देख सकते हैं अली चिकन, देखो भाई पूरा फिलिंग किराक पीसेस वीसेस कुछ भी नहीं, तो टुकड़े अलग अलग कॉपो के लगे माशाल्लाह। और मायनीज जो है थोड़ा मेरे को डिफरेंट दिखा, तो उसका भी अपन टेस्ट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। और फ्राइज़ भाई बगैर मसाले के तो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, मसाला रहा तो फ्राइज अंदर ज़्यादा। तो अपन शुरू करेंगे फ्राइज से माशाल्लाह, प्रॉपर मिक्सिंग है प्लस जो है आपके मसाला वसाला ज़बरदस्त टेस्ट में है। रोके में सो गाइस अपन अभी स्टार्ट करने वाले रैप, तो रैप जो है चिकन रैप है और एक है फिश रैप। तो फिश रैप मूसा भाई खाने वाले, लाइक खाने वाले तो दोनों भी है, मैं इतना नहीं खाता हूँ, एवरी वन नोस। तो क्या है उसके साथ मायोनीज है, और ये देख सकते हैं अपन एक मिनट मायोनीज है, एक जगह पे जो है आपके सॉस है। तो किराक तो फर्स्ट बाइट लेंगे अपन इसके, माशाल्लाह रैप ज़बरदस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह शवरमा खाने वाले अगर रैप पे आ गए ना, अगर शवरमा भूल जाना वो हालत है माशाल्लाह, जो बेहतरीन मैं आपको पहले ही बोल गया बेहतरीन मज़ा आ रहा स्मेल सुन के, खाने के बाद तो और चांद लग जा रहा। और इसमें जो मायनीज है, जो शेजवान चटनी है, सॉसेस जो भी डाले ना भाई, माशाल्लाह बेहतरीन मज़ा आ रहा। और एक बाइट भाई मस्ट एंड शुड, अब की बार जो है बंदा मायनीज लगा देंगे और साथ में जो है थोड़ा सा सॉस, क्योंकि सॉस ऑलरेडी इसमें है तो ज़्यादा भी नहीं। और उसके साथ अपन फ्राइज भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मूसा भाई बोल रहे बैक कैमरे से प्राइस पेरी पेरी है, तो सच्ची में प्राइस पेरी पेरी जो है माशाल्लाह बेहतरीन मज़ा आ गया। तो मैं इसी के साथ जो है आपको ये जो चाय है मूसा भाई चाय तो देखो अपने बस, तो ये लेवेंडर टी है, क्योंकि अगर आप ये पिए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इसका कलर अगर आप देखें तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, यहाँ देखो यहाँ पर एकदम जो है एकदम आपको देखे तो ऐसा दिखना भाई, खाली जो है आपके क्या बोलते हैं उसको जूस, और दूसरी चीज़ वो नहीं ब्लूबेरी जूस, और के क्या बोलते हैं अपन जो खाते गुलाब जामुन, जामुन ब्लैक जामुन जो आते हैं ना हम जो खाते रहते नॉर्मल टाइप पर, वो लेवेंडर का फूल अब माशाल्लाह भाई
डिफरेंट यूनिक टेस्ट है। लेवेंडर का फूल है और उसमें शक्कर का, इसमें मूसा भाई पीछे से बोल रहे क्या भाई, लेवेंडर्स का फूल है। तो लेवेंडर्स का फूल कैसा रहता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं अपन, फूल है इसके अंदर। अच्छा ये सूखा ओपन करता हूँ, सूखा हुआ फूल है इसके अंदर। क्या फूल है भाई, तो ये देख सकते अपन लेवेंडर्स का फूल है इसके अंदर। चढ़े हो भाई तुम। ये जो है ना लेवेंडर जो फूल रहता इसका ही सूखा हुआ पत्ता है यहाँ पर। तो इसको अंदर नहीं डालेंगे अपन, इसको यहीं से रखेंगे अपन बाहर, क्योंकि अपन निकाले ना अभी अच्छा नहीं दिखता। तो इसको यहाँ पर कर देंगे अपन पैक। तो ये सिर्फ मेरे को भाई जो है खाली बताने के लिए दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जस्ट फॉर एन ब्लॉग मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये तो हमारी जो बेसिक नीड, डेली नीड में बोल सकते, एक मैं चीज़ भाई कभी भी बोले पी लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी किराग है। ऐसा कहीं को पी रहे बोल के सुनिए, पकड़ के पियो ना तो क्या है भाई, हैदराबादी कैसा भी शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह ये भी बेहतरीन है, लाइक वो कॉमन है भाई वो, बट यहाँ का टेस्ट एक थोड़ा डिफरेंट रहता। तो ये है असल में को जो चाय का इंतज़ार था, कश्मीरी चाय। तो कश्मीरी चाय एकदम पिंक कलर की, यहाँ देख सकते हैं भाई, ये नॉर्मल कलर नहीं है। शायद मैं कैमरे का कलर बढ़ाया तो आप लोग को एकदम नॉर्मल दिख रहेंगे, बट ये नॉर्मल कलर है, पिंक कलर की चाय, पिंक कलर। और इसके ऊपर जो है गुलाब के पत्तियाँ भी ऊपर से, माशाल्लाह तो आया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त स्मेल भी आ रही है। मलाई थी ऊपर जब से जमी, उठा के सीधा खा लिया। सैंडविच में और एक अलग डिफरेंट टेस्ट है। ये पिया तो मेरे को ऐसा दिख रहा हूँ, ईद के दिन मम्मा शुरखुरमा बनाते हैं घर पे, एकदम जो रात से इसको पकाते हैं, रात से पका के करके उसको जो एकदम कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं डालते। पकने के बाद जो रियल मज़ा आता ना वैसा मज़ा आ रहा। और इसके अंदर जो डाले भाई गुलाब के पत्तियाँ, उससे भी जो एक दो स्वाद बढ़ गए। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, रैप और ये जो अपनी चाय है, ठीक है, जो भी डिकाशन जो भी नाम भूल गया, हमें ब्लू टी बोल सकते हैं आप, लेवेंडर टी बोल सकते हैं आप, बेहतरीन, वल्लाही मजाक नहीं करूँ वो। और इसके साथ फ्राइज जो हम जो भाई को बोले थे, फ्राइज तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये एक चाय, कश्मीरी चाय, चाय नहीं पीता हूँ बल्कि भोजनों को मालूम है, मगर आज दिखाया तो मैं चाय किसकी पीता हूँ, तो यहाँ की पीता हूँ मैं चाय, किधर की भी नहीं पीता हूँ, क्योंकि ये लोग की चाय पिया तो मती होती नहीं होती, बस ले पीता हूँ सर। तो क्या है, मूसा भाई से पूछेंगे फिश रैप का कमाल क्या है, क्या नहीं, क्योंकि अपन तो दे दिए चिकन रैप, तो मूसा भाई का है यहाँ पर फिश रैप, बोलो फिश है उसके अंदर। तो मूसा भाई देंगे रिव्यू, तो जाओ जल्दी जल्दी जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे अपन अपकमिंग ब्लॉग्स में, बने रहिए मूसा भाई के साथ। तो देखो भाई, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट्स और क्या चाहिए अपना, कितने लाइक चाहिए, तो ठीक है 500 कर दो। अरे इंशाल्लाह 1000 बोल दो, क्या पब्लिक अपनी से कर दे, 1000 कर दो भाई, 1000 कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिले, ठीक है। और हम लोग बाहर का भी टूर प्लान कर रहे हैं, वहाँ छुट्टियाँ नहीं है बोल के काम बन रहा नहीं, मंथ काम हो जाता अपना, फिर आपको भी नए वीडियोज़ देखने मिलते, ठीक है। तो ठीक है।